क्या जनाब, हमें इस पानी की आवश्यकता तुमसे कहीं ज्यादा है, हमें ये पानी ले जाने दो। अल्लाह के खुदाए करम से हमारी जरूरत आपकी जरूरत से कहीं ज्यादा है। क्या कर रहे हैं, एक और दंगा है, एक और फसाद। देखो भाई, हमारे आश्रम में ना कुछ लोग हैं जिनकी भूख प्यास सब मिट चुके हैं, लेकिन 10-15 औरतें हैं जो पिछले कई दिनों से व्रत करे बैठी हैं। प्यास की मारियों तुम आपके घर सूख गई है, और वैसे भी तुम सिर्फ 5 हो, हम 15 हैं, और न्याय भी यही कहता है कि ये पानी मैं लेके जाऊंगा। न्याय, इंसाफ, ये कैसा इंसाफ है तुम्हारा? मतलब अगर इस हिंदुस्तान में तुम हिंदू ज्यादा हो, हम मुस्लिम कम है, तो क्या ये पानी भी तुम्हारे हाथ है? इस जमीन पे तुम्हारा हक है? क्या ये सब तुम्हारा है? हाँ, हमारा है। ये जमीन, ये पानी, ये मिट्टी, ये खून सब हमारा है। देखो मौलवी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये पानी ले जाने, मैं बता रहा हूँ, तुम्हारे हर हाथ जोड़ रहा हूँ मौलवी, मुझे पानी ले जाने, तो बता। अनर्थ हो जाएगा क्या? अनर्थ देख नहीं लिया तुमने पंडित साहब, और क्या दर्द दिखाओगे? बच्चे मर गए, औरतें विधवा हो गई, और क्या दर्द दिखाओगे? उस पर्वत दिगा को जाके क्या मुंह दिखाओगे? क्या जवाब दोगे जब वो सवाल करेंगे? क्या बोलोगे तुम? अब तुम मुझे सिखाओगे कि ऊपर भगवान के द्वार जाके क्या जवाब देना है? बस मुझे यही सुनना रहेगा फिर क्या? जनाब, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जवाब क्या करोगे, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि सवाल क्या करोगे। मृत्यु हो गई है। क्या हो गया भाईजान? हे भगवान, ये पानी नहीं चाहिए मुझे, आप ले जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं भाईजान, आपको इस पानी की जरूरत मेरे से कहीं ज्यादा है, ये पानी आप रख लो। भाईजान, ये पानी आप ले जाओ।